अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारे एमडी कैट बायोलॉजी लेक्चर सीरीज़ की चौथा लेक्चर है और इसमें हम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द सेल न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पहले बताया कि न्यूक्लियस जो है हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट प्रोमिनेंट जो है वो पार्ट रहता है हमारे पास सेल का। और इसके अगर बारे से अगर हम बात करें, एनिमल सेल्स में जो है जी सेंट्रल न्यूक्लियस पाया जाता है, इन द सेंटर होता है न्यूक्लियस, जबकि एडल्ट प्लांट सेल्स हमारे पास जो होते हैं उनमें जो है ये एट द पेरिफ्री पाया जाता है। और इसकी जो ख़ास वजह है, ड्यू टू लार्ज जो है सेंट्रल न्यूक्लियस हमारे पास होता है, सॉरी ड्यू टू लार्ज वैक्यूल जो है सेंट्रल वैक्यूल, उसकी वजह से जो है न्यूक्लियस हमारे पास जो होता है प्लांट सेल्स में वो जो है पेरिफेरी पर चला जाता है। नेक्स्ट हम इसके कंपोनेंट्स की बात करते हैं कि न्यूक्लियस हमारे पास जो है किन किन कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है। इसमें हम अगर सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले जो है वो न्यूक्लियर जो एनवेलप होता है, जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं, वो पाया जाता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है जी न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है, और इसको न्यूक्लियस की जो है वो साइटोप्लाज्म भी कहा जाता है अक्सर औकात। उसके अलावा जो है नेक्स्ट न्यूक्लियोलाई हमारे पास होते हैं, और उसके बाद जो है हमारे पास जो है क्रोमाटिन या फिर क्रोमोसोम्स जो हैं वो पाए जाते हैं। तो ये चार इसके जो हैं वो कंपोनेंट्स हैं, इनको हम वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें न्यूक्लियर एनवेलप की, तो ये हमारे पास जो है वो डबल मेम्ब्रेन जो है हमारे पास जो है वो एक डबल मेम्ब्रेन एनवेलप है। और इसमें अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक इसकी सादा सी डायग्राम है, ये हमारे पास डबल मेम्ब्रेन एनवेलप है न्यूक्लियस का। अगर हम इसकी डबल मेम्ब्रेन की बात करें तो दोनों डबल मेम्ब्रेन को अगर हम लें तो दोनों डबल मेम्ब्रेन जो होती हैं वो सेपरेटेड होती हैं फ्लूड फील्ड स्पेस में, फ्लूड फील्ड स्पेस से जो है वो सेपरेटेड होती हैं। और इसको जो हम कहते हैं जी यहाँ पर इसको हम कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। और नेक्स्ट हम बात करें, यहाँ पर आप देख सकेंगे कि यहाँ पर इसके जो हैं डबल मेम्ब्रेन के दरमियान जो हैं वो न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, और इन पोर्स में जो है वो स्पेशल ट्रांसपोर्ट जो है हमारे पास स्पेशल ट्रांसपोर्ट जो है प्रोटीन पाए जाते हैं। और इन प्रोटीन्स को क्या कहा जाता है, इन प्रोटीन्स का एक स्पेशल नाम है जिनको हम न्यूक्लियो प्रोटीन्स कहते हैं, और न्यूक्लियर प्रोटीन्स के स्पेसिफिक फंक्शंस भी हैं। न्यूक्लियर पोर और न्यूक्लियर प्रोटीन के वाले से फर्दर बात करने से पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ मेम्ब्रेन के वाले से जो है बताता चलूँ। ये जो हमारे पास जो डबल मेम्ब्रेन होती है, ये यहाँ पर जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ये भी प्रोटीन और लिपिड्स पर जो है वो मुश्तमिल होती है। इसके अलावा नेक्स्ट हम बताते चलें, ये जो हमारे पास न्यूक्लियर एनवेलप होता है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ये हमारे पास राइबोसोम्स और प्रोटीन के साथ जो है वो कनेक्ट करती है और उसके साथ जो है फर्दर अटैच होती है। लेट्स सी इसकी हम जो है वो एक छोटी सी डायग्राम देख लेते हैं। सपोज करें ये हमारे पास जो है वो एक न्यूक्लियर एनवेलप है, और न्यूक्लियर एनवेलप का एक फ्रेगमेंट है छोटा सा, ये इस तरह जो है हमारे पास आगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जो है वो अटैच होती है। और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह, जैसे कि आपको पैर मालूम है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर यहाँ पर जो है हमारे पास प्रोटीन्स जो है अटैच होते हैं और राइबोसोम्स अटैच होते हैं, जो हमारे पास यहाँ पर प्रोटीन की जो है वो प्रोडक्शन को जो है वो कैरी करते हैं। ये हमारे पास यहाँ पर जो है न्यूक्लियर एनवेलप आ जाएगा, न्यूक्लियर एनवेलप आ जाएगा, ये हमारे पास यहाँ पर जो है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाएगा, और यहाँ पर इसके साथ जो है वो प्रोटीन्स और जो दूसरा यहाँ पर हमारे पास जो है राइबोसोम्स अटैच हैं। यहाँ पर हम नेक्स्ट जो है न्यूक्लियर प्रोटीन्स की जो है वो बात लेकर चलते हैं। न्यूक्लियोपोज जो हमारे पास होते हैं वो हमारे पास यहाँ पर जो है न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक जो है हमारे पास एक्सचेंज है वो उसको जो है वो रन करते हैं। और यहाँ पर कुछ जो हैं वो हमारे पास मॉलिक्यूल जो हैं वो आउट ऑफ द न्यूक्लियस जाते हैं, और कुछ जो है वो इनसाइड द न्यूक्लियस जो हैं ट्रैवल करते हैं। आउटसाइड द न्यूक्लियस जाने वाले मॉलिक्यूल्स में हमारे पास यहाँ पर आरएनए और राइबोसोमल
प्रोटीन्स हमारे पास यहाँ पर शामिल हैं जो यहाँ पर आउट ऑफ द न्यूक्लियस जो है वो इनटू द साइटोप्लाज्म ट्रैवल करते हैं, और जो साइटोप्लाज्म से इनटू द न्यूक्लियस ट्रैवल करते हैं उनमें हमारे पास कुछ प्रोटीन्स जिनमें डीएनए पॉलीमरेज आ जाता है, और इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास जो है कार्ब्स आ जाते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर लिपिड्स आ जाते हैं जो हमारे पास जो है वो डीएनए की सेंसेस क्रोमोसोम्स की सेंसेस के लिए जो है वो नेसेसरी होते हैं। ये इनसाइड द न्यूक्लियस जो है वो ट्रैवल करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करें जो हमारे पास यहाँ पर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो यहाँ पर जो है वो डिफ्यूजन के ज़रिए ही इनसाइड या आउटसाइड जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास यहाँ पर लार्जर इन साइज़ मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें अगर हम देखें तो उनके लिए जो है हमारे पास यहाँ पर न्यूक्लियो प्रोटीन्स जो पाए जाते हैं स्पेसिफिक सिग्नलिंग जो है सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन्स जो हमारे पास न्यूक्लियो पोर्स में पाए जाते हैं वो स्पेसिफिक जो है सिग्नलिंग से जो है हमारे पास यहाँ पर जो है वो लार्जर मॉलिक्यूल्स की जो है वो डिफ्यूजन को कैरी करते हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट जो हम सेकंड कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास यहाँ पर न्यूक्लियोप्लाज्म आ जाता है। न्यूक्लियोप्लाज्म हमारे पास यहाँ पर जो है जी वो ट्रांसपेरेंट सेमी फ्लूड जो है वो एक स्ट्रक्चर है, सेमी फ्लूड स्ट्रक्चर है, ट्रांसपेरेंट है, और ये ग्राउंड सब्सटेंस है। और इसकी अगर हम बात करें इसके साइटोप्लाज्म से क्या तल्लुक है तो ये जो है जी स्लाइटली जो है वो डिफर करता है देन साइटोप्लाज्म। और इसमें अगर हम देखें तो इसके कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है हमारे पास जो है ये मिक्सचर है प्रोटीन्स का, और इसमें डिफरेंट जो है एंजाइम्स भी पाए जाते हैं, और जो यहाँ पर आरएनए और डीएनए की सिंथेसिस के लिए नेसेसरी होते हैं इनमें कुछ फ्री न्यूक्लियोटाइड्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं, और कुछ आयन जैसा कि मैग्नीशियम आयन जो है वो भी यहाँ पर पाए जाते हैं। और इसमें इसके अलावा जो है यहाँ पर जो चीज़ इसको साइटोप्लाज्म से जो है वो डिफर करवाती है उसमें जो है स्टोन्स और नॉन हिस्टोन्स जो हैं हमारे पास प्रोटीन्स हैं वो भी यहाँ पर जो है वो पाए जाते हैं, और ये जो है ये हमारे पास जो है वो इसको डिफर करवाती है साइटोप्लाज्म से। और यहाँ पर फर्दर आपको एक जो है वो एमसीक्यू बेस्ड जो है वो एक नॉलेज की जो है वो नॉलेज पॉइंट देता चलूँ, हमारे पास जो है वो ह्यूमंस में जो है यहाँ पर आरबीसीज और प्लांट सेल्स में यहाँ पर हमारे पास जो होते हैं सीव ट्यूब सेल्स इन दोनों सेल्स में जो है वो हमारे पास जो है वो न्यूक्लियस नहीं होता, यानी ये नॉन न्यूक्लियर सेल्स होते हैं हमारे पास, या ए न्यूक्लियर सेल्स भी नहीं कह सकते हैं। ह्यूमन में आरबीसी और प्लांट्स में जो है सीव ट्यूब सेल, ये एमसीक्यूज में जो है एमसीक्यूज पॉइंट है, यहाँ पर एमसीक्यूज में ये है पूछा जा सकता है कि ह्यूमन आरबीसीज और जो प्लांट सीव ट्यूब सेल्स हैं उनमें न्यूक्लियस की तादाद कितनी है, न्यूक्लियस पाए जाते हैं नहीं पाए जाते, तो ये ए न्यूक्लियर या नॉन न्यूक्लियर सेल्स होते हैं, उनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो कंपोनेंट है वो यहाँ पर है हमारे पास न्यूक्लियोलाई या फिर न्यूक्लियोलस। तो ये हमारे पास जो है वो नॉन मेम्ब्रेनस जो है स्ट्रक्चर है हमारे पास, और इसमें अगर हम बात करें तो सेल्स में जो है वन और मोर जो है हमारे पास न्यूक्लियोलाई जो है वो पाए जा सकते हैं किसी भी सेल के न्यूक्लियस में। और इसकी जो ख़ास बात है ये हमारे पास जो है अपीयर्स ओनली इन इंटरफेस, और ये हमारे पास जो है वो इंटरफेस में अपीयर होता है और डिसअपीयर इन सेल डिवीजन, यानी सेल डिवीजन में ये हमारे पास डिसअपीयर हो जाता है, और ये इंटरफेस में हमारे पास अपीयर होता है। इसके अलावा अगर हम इसकी कंपोजिशन या इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें जो है हमारे पास जो है वो पेरिफेरल जो है वो ग्रैनुलर एरिया होता है इस तरह। इसकी अगर हम एक सादा सी स्ट्रक्चर तैयार करते हैं ये हमारे पास पेरिफेरी में जो है वो ग्रैनुलर एरिया आ जाएगा, और इसमें जो है हमारे पास सेंट्रल जो है वो फिब्रल एरिया आ जाता है इस तरह।
और ये इसकी अगर हम मैं आपको इसकी जो है वो फर्दर इसकी डिटेल के बारे से बताता चलूँ, तो ये हमारे पास जो सेंट्रल फिब्रल एरिया होता है, ये डीएनए और आरएनए पर जो है वो कंप्राइज होता है, मुश्तमिल होता है। और जो हमारे पास जो है आउटर पेरिफेरल एरिया होता है, ये हमारे पास जो है वो राइबोसोम्स जो है वो मिलकर बनाते हैं। और इसी तरह ये जो होता है जी, हमारे पास जो है वो राइबोसोम की कंस्ट्रक्शन में जो हमारे पास न्यूक्लियोलाई होता है, ये इन्वॉल्व इन राइबोसोम्स कंस्ट्रक्शन, राइबोसोम्स की कंस्ट्रक्शन में ये जो है हेल्प करता है। और इसी तरह जो है ये हमारे पास जो है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म यानी प्रोटीन की फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करता है, क्योंकि राइबोसोम्स का जो रोल है वो प्रोटीन सिंथेसिस में होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट या कंपोनेंट इसका आ जाता है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है कंपोनेंट है न्यूक्लियस का, वो हमारे पास यहाँ पर है जी क्रोमाटीन या फिर क्रोमोसोम्स। क्रोमाटीन या क्रोमोसोम्स की अगर हम बात करें, तो क्रोमाटीन हमारे पास जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो डीएनए और प्रोटीन्स पर जो है हमारे पास जो है वो मिलकर जो है बनाते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें सेल डिवीजन के दौरान जो है हमारे पास जो है इसकी कंडेंसेशन होती है क्रोमाटीन की, और ये हमारे पास जो है वो क्रोमोसोम्स जो है कंडेंसेशन से ये हमारे पास क्रोमोसोम्स बना देता है। तो ये क्रोमाटीन और क्रोमोसोम बेसिकली सेम ही चीज़ है। क्रोमाटीन जो है हमारे पास वो जो है जी नॉन डिवाइडिंग फेज में जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पर मुश्तमिल होता है, थ्रेड लाइक मटेरियल होता है। और क्रोमोसोम जो है वो सेल डिवीजन में जो क्रोमाटीन की कंडेंसेशन होती है उससे क्रोमोसोम बनते हैं। और क्रोमोसोम में अगर हम फर्दर बात करें, तो ये टू स्पेसिफिक स्ट्रैंड्स पर मुश्तमिल होता है, जिसे हम क्रोमाटिड्स कहते हैं। और क्रोमाटिड्स की अगर हम बात करें, तो ये एक स्पेसिफिक पोर्शन पर जो है एक दूसरे से अटैच होते हैं, अटैच्ड एट स्पेसिफिक पॉइंट। और उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, उस पॉइंट को जो है वो बेसिकली हम कहते हैं जी सेंट्रोमियर। तो ये हमारे पास जो है वो स्पेसिफिक पॉइंट आ जाता है, जिस पर जो है वो दो क्रोमाटिड्स आपस में अटैच होते हैं। और इस जो है ये सेंट्रोमियर होता है, ये क्रोमोसोम की जो है स्पेसिफिक फंक्शनल जो है कंस्ट्रिक्शन होती है, जिसमें जिसको हम जो है प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कहते हैं। तो ये प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन जो होती है वे तमाम क्रोमोसोम्स में जो है वो पाई जाती है। सेंट्रोमियर की हम फर्दर यहाँ पर बात करें, तो ये मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स में जो है वो ड्यूरिंग सेल डिवीजन मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स में हेल्प करते हैं। और यहाँ पर जो है हमारे पास जो है कनाइटोकोर प्रोटीन्स पाए जाते हैं ईच प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन या सेंट्रोमियर पे। और जो स्पेसिफिक जो है वो एक कनाइटोकोर प्रोटीन होता है, उसके साथ जो है यहाँ पर जो है एक माइक्रोट्यूब्यूल जो है हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल वो अटैच होती है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो ये इसके अलावा अगर हम बात करें सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन की, तो बाज जो हमारे पास क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें जो है यहाँ पर सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन पाई जाती है। और सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन को बाज का हम न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइज़र भी कहते हैं। इसको और न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइज़र क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो हमारे पास होता है ये न्यूक्लियोलाई की जो है फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ये न्यूक्लियोलाई को जो है वो राइज करवाता है यहाँ पर हमारे पास। तो दोस्तों ये था हमारा आज का तमाम तर लेक्चर, इसमें हमने न्यूक्लियस के हवाले से डिस्कस किया, न्यूक्लियस के इंट्रोडक्शन के हवाले से, उसकी लोकेशन के हवाले से एनिमल और प्लांट सेल में, उसके कंपोनेंट्स के हवाले से, और फर्दर वन बाय वन ईच कंपोनेंट की डिटेल हमने पढ़ी। उसमें न्यूक्लियर एनवेल्प, न्यूक्लियर न्यूक्लियर पोज का फंक्शन क्या है, न्यूक्लियर प्रोटीन्स हमारे पास जो हैं वो क्या होते हैं, और उसके बाद हमने न्यूक्लियोप्लाज्म के हवाले से बात की, और देन न्यूक्लियोलाई, और उसके बाद क्रोमाटीन और क्रोमोसोम्स के हवाले से बात की, और उसमें प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के हवाले से भी डिस्कस किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो इसे रिलेट करने वाले एमडी कैट और एफएससी के स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। मज़ीद मिलेंगे इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।